भोजपुरी की मशहूर गायिका निशा उपाध्याय ने कहा कि भोजपुरी मीठी और प्यारी भाषा, अश्लील गीतों के लिए गायकों के साथ श्रोता को भी ठहराया जिम्मेवार। विजयादशमी के अवसर पर तीसरी के पपिलो नावाडी में एक कार्यक्रम में आई थी हिस्सा लेने। भोजपुरी की मशहूर गायिका निशा उपाध्याय ने कहा कि भोजपुरी एक मीठी और प्यारी भाषा है, हम सभी कलाकार मिलकर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं। निशा उपाध्याय ने बुधवार को विजयादशमी के शुभ अवसर पर तीसरी प्रखंड के पपिलो नावाडी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थी। इसी दौरान वह मीडिया से बात कर रही थी। दूसरी ओर भोजपुरी में अश्लीलता के मुद्दे पर उन्होंने बेबाकी से कहा कि अश्लील गीतों के लिए गायकों के साथ साथ कहीं ना कहीं श्रोतागण भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि साफ सुथरे गानों के बजाय अश्लील गानों पर ही ज्यादा व्यूज मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार में अच्छे और साफ सुथरे गीत नहीं है, परंतु अश्लील गीतों के प्रति श्रोताओं का रुझान अधिक होता है, जिसके कारण बार बार अश्लील गाने ही मार्केट में आते हैं। मौके पर भाजपा नेता सह समाज सेवी रामचंद्र ठाकुर, प्रहलाद सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। क्या का नाम है? वैसे तो देखा जाए तो भोजपुरी भाषा हमारी बहुत मीठी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है, और हम सभी कलाकार मिलकर के अपनी भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाना चाहते हैं। सब लोग मिले भी हैं, और जो अश्लील अश्लील कह रहे हैं, जो अश्लील गा रहे हैं, तो गलती सिंगर की भी है और गलती हमारे श्रोतागण की भी है कि वो उस गाने को इतना व्यूज दे रहा है, तभी अगला गाना वो गा भी रहा है, क्योंकि अच्छे अच्छे गाने मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन आप देखेंगे उसका व्यूज नहीं है। और भोजपुरी भाषा हमारा अश्लील नहीं है, भोजपुरी भाषा हमारा बहुत प्यारा भाषा है।